वहीं हमीरपुर के लगभग 6 महीने पहले एक सड़क हादसे में हुई युवक की मौत की गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। बता दें, पिछले साल गांव मांझा से जुम्मे की नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की सड़क में यानी कि सड़क पर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी, जिसे कोतवाली पुलिस ने सड़क हादसा मानते हुए विवेचना शुरू की थी। लेकिन परिजनों ने मामले में 3 नामजद सहित 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि कोतवाली पुलिस ने भी 3ों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर औपचारिकता पूरी कर ली थी। लेकिन परिजनों द्वारा लगातार आलाधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के चलते उक्त मामले की जांच दूसरे जनपद के लिए स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में नामजद एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कौन से मैटर? मैटर हमारा कुछ नहीं सर, ना हमारा उससे आज तक लड़ाई झगड़ा आज तक नहीं हुआ। दूसरों के चक्कर में हमें फंसा रहे। कौन से केस में कौन लोग फंसा रहे? 300 के केस है। कहाँ गए? ये